नमस्कार दोस्तों, क्लिक हाउ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री जीके क्विज, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग सर्वश्रेष्ठ 100 प्रश्न देखेंगे। ओके, जिसमें क्वेश्चन और आंसर होंगे। और अगर आपको ये सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल क्लिक हाउ को ज्वाइन करें, वहां पे आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया? कुषाण ने, शक ने, यवन ने कि गुप्त ने? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो वो अपनाया कुषाण ने। ओके, कुषाण राज्य के राजा है, उसने देवपुत्र उपाधि को अपनाया। और यहां पे अगर हम लोग देखें तो कनिष्क, जो कनिष्क है वो कुषाण वंश का राजा था, जिसमें उसके उत्तराधिकारियों ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया। और उनका अर्थ क्या होता है? देवपुत्र उपाधि का अर्थ होता है कि देवताओं का पुत्र, देवताओं का पुत्र होता है देवपुत्र उपाधि का मीनिंग। गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट। गुप्त राजाओं के बाद राष्ट्रकूट राजा जो है उसने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया। किसको? गरुड़ को। किसने? राष्ट्रकूट राजा ने। और उससे पहले कौन थे? गुप्त राजाओं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो वो है महाभारत। ओके, ये आंसर सबको पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो महाभारत है, और उसकी रचना किसने की? उसकी जो रचना है वो वेद व्यास ने की। किसने की? वेद व्यास ने। तो वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संहिता में हुआ? तो वो हुआ चतुर्थ संगति में। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान चतुर्थ संगति में हुआ। और चतुर्थ संगति जो है उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष जो थे वो थे अश्वघोष। अश्वघोष जो है वो उसके उपाध्यक्ष थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? तो उसका विकास करवाया धर्मपाल ने। ऑप्शन ये हमारा सही रहेगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास धर्मपाल ने करवाया। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो कहां पे है? वो है बंगाल में। और एक प्राचीन भारत का एक प्राचीन विश्वविद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और उसका जो विकास है वो राजा धर्मपाल ने करवाया। और राजा धर्मपाल जो है वो पाल राजा थे, वो पाल राजा थे। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मेनांडर प्रथम ने अपनी राजधानी कहां बनाई? तो वो बनवाई तक्षशिला में। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मेनांडर प्रथम जो एक यवन राजा था, जो एक यवन राजा था, उसने अपनी राजधानी तक्षशिला में बनाई। प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की? तो वो की वर रुचि ने। प्राकृत भाषा की व्याकरण की प्राकृत प्रकाश की रचना वर रुचि ने की। किसने की? वर रुचि ने। मातृनामा किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है
सातवाहन वंश के शासकों द्वारा। तो मातृनामा सातवाहन राजाओं ने शुरू किया था। मातृनामा अपने नाम के आगे माता का नाम लगाने की प्रथा थी, अपने नाम के आगे माता का नाम लिखने की प्रथा थी। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो सातवाहन जो वंश है, सातवाहन जो वंश है उसमें सबसे महान राजा सातकर्णी, सबसे महान राजा था सातकर्णी, जिसने अपनी माता का नाम गौतमी था तो उसके ऊपर से अपना नाम गौतमी पुत्र सातकर्णी रखा, गौतमी पुत्र सातकर्णी रखा। किसने रखा? सातवाहन के सबसे महान राजा सातकर्णी, जिसकी मां का नाम गौतमी था और उसने अपना नाम गौतमी पुत्र सातकर्णी रखा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है? तो वो प्राप्त हुई है कालीबंगन। सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगन स्थल है, वहां से अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है। और कालीबंगन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है और यहां से ऊंटों की हड्डियां भी मिली है, अग्निवेदिकाएं भी मिली है और जुते हुए खेत भी मिले हैं, जुते हुए खेत भी वो मिले हैं। वो सभी कहां पे मिले हैं? कालीबंगन में। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गुप्त काल को। वल्लभी काल जो है वो गुप्त काल को कहा जाता है। किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? सोत्रमणि, सोत्रमणि यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? तो वो बताता है विनय पिटक। विनय पिटक जो है वो नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है और उसमें जो था वो मुख्य कानून था और उसमें संघ है, भिक्षुओं है और भिक्षुणियों के लिए भी क्या थे? भिक्षुणियों के लिए भी नियम थे। किसमें? विनय पिटक में। दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सर्वकामी थे। तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी सन पूर्व में कहां पे हुई थी? वैशाली में। ओके, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी सन पूर्व वैशाली में हुई थी और उसके अध्यक्ष वो थे सर्वकामी। और ये कौन से राज्य में हुई? वो हुई कालाशोक, कालाशोक राज्य में हुई। बोगज कोई अंजिलेख कहां खोजा गया? तो वो खोजा गया टर्की में। बोगज कोई अंजिलेख जो है वो टर्की में खोजा गया। किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला? तो वो संभाला प्रतिहार और पाल ने। तो प्रतिहार और पाल दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का वंश राज्य संभाला। अगर हम लोग आठवीं सदी की बात करें तो आठवीं सदी में भारत में तीन वंश जो प्रमुख थे, आठवीं सदी में भारत में तीन वंश प्रमुख थे, जिसमें उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार थे,
उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार और बंगाल में पाल वंश था, बंगाल में पाल वंश और दक्कन में राष्ट्रकूट वंश था। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो वो था विष्णुगुप्त। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था और उसका उल्लेख कहां किया गया? उसका उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है, उसमें उसका उल्लेख किया गया है। और विष्णुगुप्त जो है वो पल्लव वंश का राजा था, पल्लव वंश का राजा था। निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की? तो वो की चाणक्य ने। निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा चाणक्य ने निर्धारित की। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के कुल गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के कुल गुरु चाणक्य थे और उन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य भी कहा जाता है और उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। महासंघिक निकाय कहां विकसित हुआ? तो वो हुआ वैशाली में। तो वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी जिसमें थेर भिक्षु ने मतभेद रखने वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया और अलग हुए। इन भिक्षुओं ने उसी समय अपना एक अलग संघ बनाया, एक अपना अलग संघ बनाया और उसमें उसने अपने आप को बोला कि हम महासंघिक है, हम एक महासंघिक है। और जिसने उसको निकाला था वो जो दूसरा संघ था उसका नाम था हीन संघिक, उसका नाम था हीन संघिक। तो महासंघिक निकाय जो है वो वैशाली में हुआ द्वितीय बौद्ध संगीति के समय में। निम्नलिखित में कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे? तो वो थे अलारा कलमा और उद्दक रामपुत्र। तो अलारा कलमा और उद्दक रामपुत्र गौतम बुद्ध के शिक्षक थे और उन्होंने उन दोनों से ये योग साधना सीखी थी। भारत का प्रथम शक राजा कौन था? तो वो था मोगा। भारत का प्रथम शक राजा मोगा था और उसने ही भारत में शक राज्य की नींव डाली थी और उत्तर पश्चिम भारत में सबसे बड़े हिस्से में अपना राज्य वो बना लिया था, उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में। इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है? तो वो है नासिक। तो नासिक का जो शिलालेख है वो सातवाहन काल से संबंधित है जिसे गौतमी पुत्र सातकर्णी ने गौतमी पुत्र सातकर्णी की जो मां है गौतमी ने वो बनवाया था। कौन से राज्य
गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे। तो वो थे कौशल और मगध। कौशल और मगध गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे, जिसमें कौशल का जो राजा है, कौशल का राजा प्रसेनजीत, कौशल का राजा है प्रसेनजीत, वो गौतम बुद्ध के शिष्य थे। गौतम बुद्ध के शिष्य थे प्रसेनजीत। और मगध का राज्य गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रत्यक्ष संबंधित है। इसीलिए कौशल और मगध गौतम बुद्ध से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला, अंडाल एक महिला संत थी जिसकी रचनाएं व्यापक रूप से गाई जाती थी। दूसरा, कि करायकल अम्मायर शिव के भक्त थे जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक भक्ति के मार्ग को अपनाया। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, पहला कि दूसरा, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पहला और दूसरा जो कथन है वो दोनों यहां पे सही है। यानी कि अंडाल जो है एक महिला संत थी और करायकल अम्मायर शिव के भक्त थे, दोनों सेंटेंस जो है वो सही है। राजा ब्राह्मण को छोड़कर सबका स्वामी है, यह विचार किसके थे? यह विचार गौतम के थे। ओके, गौतम धर्मसूत्र के ये विचार थे। और गौतम धर्मसूत्र की रचना किसने की? तो वो रचना की गौतम ऋषि ने। ओके, गौतम ऋषि ने ही गौतम धर्मसूत्र की रचना की। और गौतम धर्मसूत्र हिंदू धर्म के चार धर्मसूत्रों में से सबसे पुराना, प्रामाणिक और श्रेष्ठ भी है। किस गुप्त राजा को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त राजा को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम उसका बेटा था। समुद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। और वो चंद्रगुप्त की जो पत्नी थी वो लिच्छवी की राजकुमारी थी, लिच्छवी की राजकुमारी और उसका पुत्र था। और उसी के कारण जो समुद्रगुप्त है उसको लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। और उसका मीनिंग क्या होगा? उसका मीनिंग होगा कि लिच्छवियों का पुत्री का पुत्र। कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? तो वो बनवाया एलोरा के शिव मंदिर। कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का ही राजा था जिसने एलोरा के शिव मंदिर बनवाए। अभिधम में कथावस्तु के बारे में किसने लिखा है? तो वो लिखा है मोगली पुत्र तिस जो बौद्ध धर्म के भिक्षु थे और विद्वान भी थे। और वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे मोगली पुत्र तिस। और अशोक के पुत्र जो महेंद्र है उसके भी आध्यात्मिक गुरु थे मोगली पुत्र तिस। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया?
तो वो कराया भट्टारक ने। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास भट्टारक ने करवाया। किसके काल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई? तो वो हुई कालाशोक काल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई, और द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वीसन पूर्व में कालाशोक में हुई। कालाशोक यानी कि शिशुनाग वंश भी कहा जाता है, शिशुनाग वंश। और ये जो द्वितीय बौद्ध संगीति है वो हुई कहां पे? वो हुई वैशाली में। वो हुई वैशाली में, किसके काल में? कालाशोक काल में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष वो थे सबाकामी। अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? तो वो की वाग्भट्ट ने। वाग्भट्ट ने अष्टांग संग्रह की रचना की। और अष्टांग संग्रह एक आयुर्वेद से संबंधित एक पुस्तक है, और जिसकी रचना वाग्भट्ट ने की। महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बोध किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है मैत्रेय को। महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बोध जो है वो मैत्रेय को कहा गया है, यानी कि जो उत्तराधिकारी होगा बौद्ध का, ओके, उसको मैत्रेय को बताया गया है। ओके, बौद्ध धर्म के महायान जो पंथ की जो पुस्तक है उसमें भविष्य में शाक्य मुनि बौद्ध के उत्तराधिकारी जो बनेंगे वो होंगे मैत्र, ऐसा यहां पे बताया गया है। ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकॉर्स कहा गया है, और इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? तो उसका उल्लेख जो है वो सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने किया। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम ये बताया कि ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकॉर्स कहा गया है, और इसके अलावा उसे एंड्रोकॉर्स भी कहा गया है। एंड्रोकॉर्स भी कहा गया है और सैंड्रोकॉर्स भी कहा गया है। निम्नलिखित में से ऋग्वेद की शाखा कौन सी है? तो वो है शाकल। शाकल जो है ऋग्वेद की शाखा है, और ऋग्वेद जो है ऋग्वेद वो विश्व की पहली पुस्तक है। विश्व की पहली पुस्तक है और उसकी दो शाखा है, और उसकी दो शाखा है, एक है शाकल और दूसरी है वाष्कल। 190 ईस्वी सन पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया? तो वो किया डेमेट्रियस ने। तो 190 ईस्वी सन पूर्व में एक डेमेट्रियस नाम का जो राजा था, एक यवन राजा था जिसने भारत पर आक्रमण किया, और मौर्य साम्राज्य का एक बड़ा इलाका जीत लिया। शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ है? तो वो है यजुर्वेद के। शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। नाभि वर्ष किस देश का ऐतिहासिक नाम है? तो वो है हमारे भारत देश का। नाभि वर्ष जो है वो हमारे भारत देश का ऐतिहासिक नाम है। वैसे भारत का पुराना जो नाम है वो पुराना नाम है नाभि वर्ष, जो पहले
जैन तीर्थकर, पहले जैन तीर्थकर ऋषभदेव, ऋषभदेव के जो पिता है, ऋषभदेव के जो पिता है राजा नाभी उसके नाम पर था। तो नाभी वर्ष जो है वो भारत का ही प्राचीन नाम है, जो पहले जैन तीर्थकर ऋषभदेव के जो पिता है राजा नाभी उसके नाम पर था। किस चोर राजा ने मालदीव को जीत लिया? तो वो जीता राजा राज ने। तो राजा राज की बात करें तो वो एक चोल वंश का राजा था और उसकी समुद्री सेना 12,000 से ज्यादा थी और उसने श्रीलंका और मालदीव को जीतकर अपनी समुद्र शक्ति का परिचय दिया था। पाली ग्रंथों में निगंठना निपुत किसे कहा गया है? तो वो किया गया है महावीर स्वामी को। पाली ग्रंथों में निगंठना निपुत महावीर स्वामी को कहा गया है और महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी। तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? तो वो हुई अशोक के काल में। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के काल में हुई और ये कहां पे हुई? और यह हुई पाटलिपुत्र में। और तृतीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष है मोगलीपुत्र तिस्स, वो उसके अध्यक्ष थे। गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो वो थे दीनार और सुवर्ण। गुप्त राजाओं ने दो सिक्के चलवाए जिसमें पहला था दीनार और दूसरा था सुवर्ण। दीनार की अगर हम लोग बात करें तो वो एक रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया गया था, रोमन साम्राज्य की नकल से। और सुवर्ण जो है वो सोने और चांदी का एक बना हुआ शुद्ध भारतीय सिक्का था। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? तो वो हुआ कुमार गुप्त के काल में। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास कुमार गुप्त के काल में हुआ और ये एक गुप्त राजा थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र भी थे। तो कुमार गुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र भी थे। बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? तो वो हुआ कनिष्क के काल में। तो महायान जो पंथ है उसका विकास कनिष्क के काल में हुआ और असंघ जो है असंघ उसने उसकी शुरुआत की। कंथक गौतम बुद्ध का क्या था? तो वो था घोड़ा। कंथक जो है वो गौतम बुद्ध का घोड़ा था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? तो वो था अंतिचक में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक प्राचीन भारत का एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय
था और इसकी रचना राजा धर्मपाल ने की। इसकी रचना किसने की? राजा धर्मपाल ने। और वो एक पाल राजा थे, वो एक पाल राजा थे और कौन से गांव में था? अंति चक गांव में। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया? तो वो नष्ट किया बख्तियार खिलजी ने। 4 अश्वमेघ यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया? तो वो करवाया प्रवरसेन प्रथम ने। तो प्रवरसेन प्रथम एक वाकाटक वंश का राजा था और वाकाटक जो है वो दक्षिण भारत में राज्य करने वाला एक ब्राह्मण राजवंश था। और ये जो वंश है उसकी स्थापना किसने की? तो ये वंश की स्थापना जो है वो विंध्य शक्ति ने की। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय में हुई? तो वो हुई कनिष्क के समय में। तो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई और कनिष्क जो है वो एक कुषाणों का राजा था। और ये चतुर्थ बौद्ध संगीति कहां पे हुई थी? तो वो हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कि सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापिस जीता? तो वो जीता गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने मालवा को शक राजाओं से वापिस जीत लिया और उससे पहले सातवाहन राजा जो थे वो उसे हार चुके थे। मेगास्थनीस द्वारा भारत के बारे में कहे गए जो कथन है उसमें कौन सा सत्य नहीं है? तो उसमें भारत में अक्सर अकाल पड़ता है वो सही नहीं है। तीसरा सेंटेंस सही नहीं है क्योंकि भारत में प्रचुर सोना चांदी तांबा और लोहा है, ऐसा सत्य है। ऐसा किसके द्वारा कहा गया था? मेगास्थनीस के द्वारा। भारत में सुव्यवस्थित आदि जाति व्यवस्था है वो भी सही है। भारत में अक्सर अकाल पड़ता है वो सही नहीं है। ओके, और डायनोसिस ने भारत पर आक्रमण किया वो भी सही है। इसलिए हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भारत में अक्सर अकाल पड़ता है। ये जो सेंटेंस है वो सत्य नहीं है। मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? तो वो करता था सहर्ता। मौर्य काल के दौरान राजस्व विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता है वो होता था सहर्ता, और जिसका कार्य क्या होता था? पूरे राज्य से राजस्व की वसूली करना। और राजस्व का प्रमुख स्रोत जो था वो कौन सा था? तो वो था कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। गुप्त काल के दौरान स्वर्ण सिक्कों की कमी और गुप्त काल के बाद सिक्कों की कमी का क्या कारण था? तो वो था व्यापार में आई हुई गिरावट। तो गुप्त काल में सिक्कों का कम होना और गुप्त काल के बाद सिक्कों में अकाल आना उसका कारण था व्यापार में गिरावट आना। व्यापार में गिरावट आना उसका मुख्य कारण था। निम्नलिखित में अष्टम स्थान कौन सा नहीं है? तो तक्षशिला जो है वो अष्टम स्थान नहीं है। महात्मा बुद्ध की अगर हम लोग बात करें, महात्मा बुद्ध उससे जुड़े हुए
टोटल 8 स्थान है जिसमें लुम्बिनी, दूसरा है गया, तीसरा है सारनाथ, चौथा है कुशीनगर, पांचवा है श्रावस्ती, छठा है सकाश्य, सातवा है राजगुरु और आठवा है वैशाली। वो बौद्ध ग्रंथों में अष्टमहास्थान के नाम से जाना जाता है। तो पहला है लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, सकाश्य, राजगुरु और वैशाली। इसलिए तक्षशिला जो है इसमें नहीं है। गौतम बुद्ध को किस उम्र पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो वो हुआ 35, यानी कि गौतम बुद्ध 35 वर्ष के थे तभी उसको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। कहां पे हुआ? बोध गया में। बोध गया में। गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र का क्या नाम था? उसका नाम था राहुल। गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र था जिसका नाम था राहुल और उसकी पत्नी का नाम, जो पत्नी है उसका नाम था यशोधरा, और उनका पुत्र जो था वो राहुल था, और जिसका जन्म 534 ईस्वी सन पूर्व में हुआ था। मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था? तो वो था कुषाण। मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय कुषाण काल का था और इसका मुख्य रूप से विकास कुषाण काल में ही हुआ था। और मथुरा जो है, मथुरा वो कनिष्क की दूसरी राजधानी भी थी। स्ट्रेट गोज की नियुक्ति किसने की? तो उसकी नियुक्ति यवन ने की। स्ट्रेट गोज जो है वो यवनों के सेनाध्यक्ष को कहा जाता है और उसकी नियुक्ति यवन ने की। किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया? तो वो बनवाया हेलियोडोरस के सम्मान में। ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में शृंग राजा विष्णु के सम्मान में क्या बनवाया? स्तंभ बनवाया। और उस राजदूत को ग्रीक राजा भागभद्र ने भेजा था। किसने भेजा था? ग्रीक राजा भागभद्र ने। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए? तो वो जारी किए यवन राजाओं ने। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जो है वो जाता है यवन राजा को। बृहत कथा की रचना किसने की? तो उसकी रचना गुणाढ्य ने की। बृहत कथा की रचना गुणाढ्य ने की, जो राजा हाल के राजकवि थे गुणाढ्य। सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की?
तो वो की राजा हाल ने। राजा हाल जो है वो सातवाहन वंश का एक विद्वान राजा था और उसने गाथा सप्तशक्ति की रचना की, जो प्राकृत भाषा में प्रेम कविताओं का एक संग्रह है। किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी? तो वो दी सातवाहन राजाओं ने। सातवाहन जो वंश है वो आंध्र प्रदेश का वंश था, जिन्होंने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी और सातवाहन वंश के राजा खुद भी ब्राह्मण जाति के ही थे। अशोक के अपने शिलालेख में किस क्षेत्र को करमुक्त बनाने और मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी दी है? तो वो है लुम्बिनी क्षेत्र। तो अशोक के अपने शिलालेख में लुम्बिनी क्षेत्र को करमुक्त बनाने और मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी दी है। ऐसा अशोक ने कब किया था? ऐसा अशोक ने अपनी सिंहासन की 20वीं वर्षगांठ पर किया था। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के धोलावीरा स्थल की सबसे अनोखी विशेषता क्या है? तो वो है, इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था, तो वो उसकी विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो धोलावीरा शहर है वो कहां पे है? वो आया है अभी गुजरात में, ओके। और उसकी प्रमुख विशेषता थी कि जो शहर है, धोलावीरा का जो शहर है, उसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? तो हीनयान जो है वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। बौद्ध धर्म का जो हीनयान है वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता और यह भी विश्वास नहीं करता कि भगवान बुद्ध भी थे। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो वो है सुत्तपिटक। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में सुत्तपिटक ग्रंथ जो है वो बताता है। और सुत्तपिटक जो है एक बौद्ध धर्म का ही एक ग्रंथ है और यह ग्रंथ त्रिपिटक के 3 जो भाग है, 3 जो भाग है उसमें से ही ये वाला एक है। सुत्तपिटक में तर्क और संवादों के रूप में भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह है। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। किसके कालयुग में हुई? तो अजातशत्रु के काल में हुई और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। गौतम बुद्ध के गृह त्याग से कौन सा चिन्ह संबंधित है? तो वो है घोड़ा। घोड़ा जो है वो गौतम बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है। गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? तो वो बताता है बोधि वृक्ष को। तो बोधि वृक्ष जो है वो गौतम बुद्ध के निर्वाण को बताता है।
और गौतम बुद्ध को कुशीनगर में, कहां पे, कुशीनगर में निर्वाण जो है वो प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? तो वो बताता है कमल को, कमल और बेल, कमल और बेल जो गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? उसकी स्थापना की दंतिर दुर्ग ने। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की और इसकी स्थापना 8वीं सदी में हुई थी। सेन वंश की स्थापना किसने की? तो उसकी स्थापना हेमंत सेन ने की। सेन वंश जो है वो एक बंगाल का राजवंश था और उसकी स्थापना हेमंत सेन ने की। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था? यह विचार मेगास्थनीस का था। मेगास्थनीस सेल्क्युलस द्वारा नियुक्त एक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। क्या था? राजदूत। और उसने इंडिका नामक एक पुस्तक भी लिखी है। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? कुषाणों ने सोने चांदी तांबे यानी कि उपर्युक्त सभी सिक्के चलवाए और कुषाणों को तुषारी लोग भी बोला जाता है। तुषारी। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था और जिसे उसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने उसको मारकर शुंग राज्य की स्थापना की। किसने मारा? उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसको मारा। कल्पद्रुम की रचना किसने की? लक्ष्मीधर ने। कल्पद्रुम की रचना लक्ष्मीधर ने की और वह एक गढ़वाल वंश का मंत्री था। गढ़हवाल वंश का मंत्री था लक्ष्मीधर और गढ़वाल वंश कन्नौज का राजपूत क्षत्रिय वंश भी था और इसका महान राजा जो था वो था गोविंद चंद। और अंतिम राजा की बात करें तो वो थे जयचंद, जिसे मोहम्मद गोरी से लड़ते हुए वो मारा गया था। अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो वो पढ़ा जेम्स प्रिंसेस ने। जेम्स प्रिंसेस एक इंग्लिश विद्वान था और यह एक बंगाल आंदोलन का एक प्रारंभिक था और उसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा और उसने सर्वप्रथम ब्राह्मी जो लिपि है उसको पढ़ा। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं बेलन घाटी से। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य बेलन की घाटी से प्राप्त हुए हैं और यह स्थान उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आया है। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो वो की धर्मपाल ने। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। और धर्मपाल जो है वो एक पाल वंशी राजा था। ओके, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो उसने की जगदल की। रामपाल ने जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना की। गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से थी? तो वो थी कोलीय वंश से। गौतम बुद्ध की मां का नाम था महामाया और वह कोलीय वंश की रानी थी और उनका विवाह क्षत्रिय राजा शाक्य वंशी राजा शुद्धोदन से हुआ था। तो गौतम बुद्ध की मां का नाम महामाया और गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोदन। गौतम बुद्ध का साथी कौन था? तो उसका साथी था चना। गौतम बुद्ध का साथी था चना। आठवीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच हुआ था? तो वो हुआ था चालुक्य, पल्लव और पांड्य के बीच में। आठवीं सदी में जो त्रिकोणीय संघर्ष था वो था चालुक्य, पल्लव और पांड्य के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष। कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य से लिया गया है? तो वो लिया गया है चोल से। तो कोरोमंडल चोल राज्य से ही संबंधित है और कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिणी पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि सभी जो कथन है वो सभी कथन सही है। यानी कि पांड्य वंश की राजधानी कौन सी थी? मदुरै। चेरो की राजधानी कौन सी थी? वंशी। विदेह राज्य की राजधानी कौन सी थी? मिथिला। ये सभी जो कथन है वो सही है, इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? तो वो है सोम के लिए। ऋग्वेद का एक मंडल जो है वो सोम के लिए ही समर्पित है। कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता है? तो वो कहलाता है सेन वंश। सेन वंश जो है एक ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता है और यह एक बंगाल का ही वंश था और इसकी स्थापना सामंत सेन ने की थी। कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसमें रत्नावली और राजशेखर वो मिलान सही नहीं है। नागनाद जो है वो एक संस्कृत नाटक है और जिसकी रचना राजा हर्ष ने की थी। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की और मृच्छकटिक की रचना शूद्रक ने की थी और रत्नावली की रचना जो है वो किसने की? उदयन ने की थी। परम सौगात की उपाधि
किसने धारण की? तो वो की राज्यवर्धन ने, परम सौगात की उपाधि राज्यवर्धन ने धारण की थी। कि सातवां राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? तो वो किए सातकर्णी प्रथम ने। तो सातवाहन जो वंश है वो है आंध्र प्रदेश का, और उसमें राज्य करने वाला ये प्राचीन ब्राह्मण वंश था, और इनका राजा वर्तमान कर्नाटक में मध्य प्रदेश गुजरात तक वो फैला हुआ है। और सातवां राजाओं ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए, जिसमें राजा था वो सातकर्णी प्रथम। योद्धेयों का प्रमुख स्थान कहाँ था? तो वो था रोहतक में। तो रोहतक जो हरियाणा का है, हरियाणा में आया है, और योद्धेयों का प्रमुख स्थान हरियाणा का रोहतक है। और कार्तिकेय जो है वो योद्धेयों के देवता थे। किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? तो वो बनाए मौर्य ने, मौर्य राजा बिंदुसार ने सर्वप्रथम सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से राजनीतिक संबंध बनाए, और बिंदुसार के राज्य में डायमोक्स नामक एक सीरियाई राजदूत था, इसलिए सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए मौर्य राजा ने। कौन सा मिलान सही है? तो इसमें पहला यानी कि शाक्य कपिलवस्तु जो मिलान है वो सही है। कपिलवस्तु प्राचीन समय में शाक्य वंश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। कपिलवस्तु जो है वो प्राचीन समय में शाक्य वंश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। 23वें जैन तीर्थकर किस जगह से संबंधित थे? तो वो थे वाराणसी से संबंधित। तो भगवान पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, और भगवान पार्श्वनाथ वाराणसी के राजा अश्वसेन और रानी वामा के पुत्र थे। जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? तो वो है रुद्रदामन का। तो जूनागढ़ अभिलेख अभी गुजरात में है, और इसमें शक राजा रुद्रदामन का नाम है। ऋग्वेदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो वेतन की अधिकता, ऋग्वेदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में वेतन की अधिकता जो है वो असत्य है। यानी कि ऋग्वेदिक काल में वेतन देना और लेना उसका कोई साक्ष्य नहीं है। कौन सा शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया है? तो वो है चरण।
चरण शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के विद्यालय के लिए प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा है? तो वो लिखा है साइलेक्स ने। ग्रीक लेखों के अनुसार सबसे पहले साइलेक्स भारत आया और उसे डोरियस नामक राजा ने भेजा था। निम्नलिखित में किस भारतीय राजा ने धर्म महामत नियुक्त किए थे? तो वो नियुक्त किए थे अशोक ने। अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामत नियुक्त किए थे जो उसके धर्म का प्रचार करते थे और इसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से हमें मिलती है। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? तो वो थे अरिष्ट नेमी। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर थे जिसमें 22वें तीर्थकर अरिष्ट नेमी है और उनका वर्णन ऋग्वेद में है। मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड देने को कहा? तो वो कहा चोरी के मामले में। तो मनु महाराज ने मनुस्मृति की रचना की थी। मनु महाराज ने मनुस्मृति की रचना की और मनुस्मृति के अनुसार चोरी के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्ण की तुलना में अधिक दंड मिलना चाहिए ऐसा कहा गया है। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो वो हुआ परुषणी नदी के किनारे। 10 राजाओं का युद्ध हुआ परुषणी नदी के किनारे और इसमें 10 राजाओं की हार हुई। किसके सामने? भरत जन के जो राजा है राजा सुदास। तो राजा सुदास ने 10 राजाओं को युद्ध में हराया। ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, अरिष्टनेमी, ऋषभदेव कि महावीर? आपका जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ये बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली जो नई वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।